नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। बात है जो हमारे ग्रामीण विकास की योजना है, जो माँ और आपके गरीब से जुड़ा हुआ है, वो हमारी योजना है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण स्थान योजना, मुख्यमंत्री आवास क्षतिपूर्ति योजना। तो इस प्रकार की जो राज्य में गरीबों से जुड़ा हुआ योजना है, उसके हमने समीक्षा किया। यहाँ पर पिछले जो 2017 से लेकर
एक बीस एक ऐसा 1000 से कुछ ज़्यादा आवास घरों उनको बुक कराने का, और मैं समझता हूँ कि उसमें से 17 ही ऐसे लाभों में बाहर थे उनको भी कर लिया गया और उनको भी ये सुविधा मिल जाएगी जल्दी सुविधा आवास की सुविधा। और 2012 से लेकर 2015 तक इंदिरा आवास है उसमें थोड़ी हमारी कमी है, उसके लिए अलग मिलने से मिल गया है कि जितने भी हमारे गाँव शेष बचे हुए उसमें हमारे बिहार की सरकार नीतीश कुमार 1 मार्च 2010 से पहले उनके आवास की सुविधा और उनका आवास अपूर्ण रहा है उसको बनाने के लिए 50,000 रुपया राज्य बनाने से उस प्रति ने अगर टिकट कराएंगे या जुड़े रहेंगे उनको वीडियो बनाएंगे 50,000 रुपया देंगे। और ऐसे वीडियो को हमने निर्देशित किया एक एक घर जो अपूर्ण है उसको आप खुद दे सकते खुद पूर्ण नहीं कर सकते और बैंकों से राशि दिला करके उनके घर को पूर्ण कराए और भी दूसरा व्यक्ति हो उसको भी लगा करके उनके घर को पूर्ण कराए। ये स्थिति इंदिरा आवास योजना की है, प्रधानमंत्री आवास योजना की है, मुख्यमंत्री आवास योजना भी की है, किस तरह से राजनीति में काम कर रहे हैं जो आवेदन के कुछ लोगों का शिकायत है इंदिरा आवास योजना में कितना एक्शन आपका अधिकारी हो सकता है। हमारे पास जो आवेदन आते हैं उस पर एक्शन ले जाते हैं, तो आवेदन तो कई तरह से आते हैं। एक तो आवेदन कहते हैं कि अगर हम हमारा आवास नहीं बना कराना का इसकी तो जो नियम है उसके हिसाब से करनी है। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना की उसकी जो लिस्ट बने उसके हिसाब से हम लोगों ने सरकार करना है। अब जो जो सूची था एग्जॉस्ट कर लिया 2018 में हम लोगों ने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में आवास ऐप पर 32,86,000 लोगों का नाम हम लोग इसमें 2 से 2.5 लाख डबलिंग थे या किसी कारण से डबल नाम ले रहे थे उनको भारत सरकार ने कहा लगभग 30 लाख लोग बिहार में बचे थे। 30 लाख जो लोग बचे थे उसमें से 11,49,947 आवास का लक्ष्य नाम प्राप्त हुआ है। तो जो नियम है उसके हिसाब से करेंगे और जो ऐसे परिवार हैं जिन किसी कारण से छूट गए हैं और सच जो लाभ लगातार है उनको मुख्यमंत्री आवास बनाने में जोड़ करके और उनके मनरेगा में जितनी योजनाएँ मनरेगा की जो योजनाएँ हैं वो आप सभा से पारित होकर चलते रहते हैं लेकिन मैं लगता है कि ₹6,000 के आसपास अभी हमारी योजनाएं चल रही है उसमें कुछ योजना पहले की भी है जैसे अगर हम जैसे पौधा लगा रहे हैं तो 5 साल तक हमारी योजना और 5 साल तक हम बच्चे सको हम 3 दिन पर आपको 200-200 रुपया के हिसाब से वो योजना भी उसमें शामिल है। तो हमारी योजना स्टेट डैम की भी है, हमने आंगनबाड़ी हमारी योजना की है, हमारे खेल मैदान की भी हमारी योजना है। इस प्रकार से आधार का भी है, पैन का भी है, पोखर का है, 5 एकड़ से नीचे के जितने पोखर होंगे वो हम मनरेगा योजना से लेंगे, उससे ऊपर के रहेंगे वो लघु जल संसाधन विभाग करते हैं। इस प्रकार से अभी अमृत सरोवर भी बनाने का भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है, बड़े जिला के लिए 75 है, छोटे जिला में सरोवर होंगे उसके हिसाब से हम देंगे। लेकिन यहाँ भी लगता है कि 29 चिन्हित किए गए 18 चिन्हित किए गए और भी चिन्हित किए जा रहे हैं और भी सरोवर किए गए। मनरेगा में जो पिछले वर्ष काम किए हैं मजदूर उनका भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान में अभी लगभग हो चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में कुछ समस्या है और उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, वो भी पैसा भुगतान हो जाएगा। अभी कुछ भारत सरकार ने नियमावली में कुछ परिवर्तन किए हैं इसके कारण मटेरियल में पैसा अभी नहीं मिला है, वो भी मिल जाएगा। मजदूरी मद में भारत सरकार ने रिलीज किया है पैसा जो मजदूरों के खाते में सभी ग्राम पंचायतों में सभी पंचायतों में हम बनाएंगे सामुदायिक शौचालय
महादलित टोला के लिए बनाया गया। 27 कंप्लीट हो गए हैं। 27 कंप्लीट हो गए हैं। 47 का लगभग 27 कंप्लीट कर लिए गए हैं। बाकी पे काम चल रहा है। नल जल योजना का हम समीक्षा नहीं करते हैं, वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, पंचायती राज विभाग की। सर ये जो बोले प्रधानमंत्री आवास योजना जो छूट गया है उसको चिन्हित कर रहे हैं, क्या अरवल जिले का आंकड़ा दिया जाएगा? मैंने कहा कि छूट गया उनको चिन्हित कर रहे हैं, मैंने तो नहीं बात कहा। मैंने ये कहा कि अगर ऐसे लाभुक हैं जो सचमुच गरीब है, किसी कारण से वंचित हो गया है, उनको भी हम लोग देखें, सचमुच रहेंगे तो उसके लिए कुछ रोड मैप बनाए हैं क्या? रोड मैप समय जैसे अब ये 30 लाख एग्जॉस्ट कर जाएगा, भारत सरकार निर्देश दे के हम लोग उसको जांच कराएंगे। नहीं वो जो 15 में जो सूची तैयार की गई उसमें तो 2018 में जो सूची तैयार की उसमें तो निश्चित है कि उसमें बगली हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों जो बिल्डिंग है उनको दे दिया गया। देखिए ये एक जो ये जो चीज़ें हैं वो ग्राम पंचायत की आम सभा से तय होती है, और जब ग्राम पंचायत की आम सभा से कोई तय होती है तो ही किसी तरह के काम करके जो गरीब लोग छुटे हुए हैं उनको हम लोग कोशिश करके जरूर उनको आवास की सुविधा करते हैं। मनरेगा के तहत जो पक्का वर्क होता है तो काम अभी बंद है? नहीं काम बंद नहीं है, अब जैसे चेक डैम का काम बंद थोड़ी है, ये जो आंगनबाड़ी का काम बंद थोड़ी है, अभी ये जो हम खेल मैदान बनाएंगे वो काम बंद। प्रायोरिटी हमारी है कि 60% काम हम श्रमिकों को रोजगार के लिए हम दें और 40% की हम मटेरियल पर खर्चा करते हैं, इसलिए 60-40 का रेडियो रेशियो हमारा कम कवर होना चाहिए। इस दिशा में थोड़ी बहुत कहीं कहीं काम बंद करना पड़ता होगा पक्का, लेकिन जल संचय से संबंधित खेती से संबंधित जो काम है वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, उसको हम पूरा करेंगे। हमारे अधिकारी तो जो प्रधानमंत्री आवास है उसके लिए जानते हैं ना, हर सप्ताह एक पंचायत में जाते हैं, आवास दिवस मनाया जाता है, वो तो हमारे अधिकारी जा रहे हैं। आप लोग को जानकारी मिलती है कि सिर्फ कागज पर अगर कुछ दिखा रहे हैं कि नहीं गए हैं, आप बताइएगा तो हम एक्शन लेंगे। हर प्रखंड के एक पंचायत में आवास दिवस मनाया जाता है कि सभी पूरे पंचायतों में सभी पंचायतों उस दिन आवास दिवस मनाया जाता है। कहीं वीडियो जाते हैं, कहीं क्या बोलते हैं आवास प्रवेक्षक जाते हैं, यानी आवास सहायक को तो जाना ही है जिस पंचायत में उनकी, अगर वो दो पंचायत उनका चार्ज है तो वो दो दिन जाते हैं सप्ताह में, एक दिन यहाँ जाएंगे दूसरे दिन यहाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।